सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, वो कौन सा है? डीआई। जैसा कि आप सभी लोगों के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं पूछा गया है, वो भी किसमें आया था? फिट के पेपर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन किसमें दिया गया है? टन में। किसमें दिया गया है फ्रेंड्स? टन में दिया गया है। और आपके पास ये 2010-11 से लेकर 2016-17 का पूरा डाटा जो है, जो उत्पादन टन में आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सफर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का उत्पादन किस वर्ष अधिकतम है? आपसे कह रहा है गेहूं का उत्पादन किस वर्ष अधिकतम है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा अधिकतम किस वर्ष है फ्रेंड्स? 2016-17। देखिए ये गेहूं है, और गेहूं का उत्पादन किसमें है? 2016-17 में कितना है? 76-17। कितना है फ्रेंड्स? 76-17। आपको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही आप बता देंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2016 और 17। क्लियर हो गए फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है मक्का, दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दिया गया है जौ, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है दालें, और चौथा ऑप्शन दिया है बाजरा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से पूछा गया है कि इनमें से किस फसल ने 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में मतलब लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो जैसे में पहला ऑप्शन मक्का है, तो मक्का देखिए 2013 से आपसे पूछा है, तो 2013 यहाँ पे है, क्लियर है। अब मक्का यहाँ पे है, तो मक्का में देखिए 40 हुआ, फिर 90, फिर 110, लेकिन घट गया, यहाँ 75 हो गया, लगातार वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब मक्का नहीं होगा, क्लियर है। हम जौ की बात करते हैं फ्रेंड्स, जौ आपका यहाँ पे है, क्लियर है। जौ कहाँ है? यहाँ पे है जो। अब देखिए 2013 से देखेंगे, पहले 200 हुआ, 216 से फिर 160, यानी घट गया, लगातार वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब जो भी ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है। अगर मैं दालें देखूं, दालें आपके पास फ्रेंड्स, दालें कहाँ है? यहाँ पे। और 2013 से डाटा आपका यहाँ पे दिया है, देखिए 310 था, फिर 370, फिर घट गया, घट गया, इसका मतलब दालें भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन जो बच गया वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा? डी, यानी बाजरा। देखिए बाजरा में देखिए 2013 से पहले 1110 था, 1160 था, फिर बढ़ के 1450, 1460, यानी लगातार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आज के सफर का क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा है 2010-11 से 2016-17 के मध्य आलू आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स? ये आलू का जो है औसत उत्पादन आप लोगों से पूछा गया है, क्लियर है। और देखिए ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया है 300 टन, आपको फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स 300 टन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 293.86 टन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स 353.96 टन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 253.86 टन, क्लियर है। तो सबसे पहले औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? कुल पदों का योगफल अपान क्या होता है? कुल संख्या, क्लियर है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में पहले देखते हैं, 2, 5, 2, 7, 7, 5, 12, और 12 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। 17 के साथ 1 आ गया, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 1, 11, 11 में 4 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 11, 4, 15, 15 की 5, 1 आ गया, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20,
फ्रेंड्स कितना आ गया 2057। और इसको भाग कर देंगे, देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखें, अब 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 3 21 ज्यादा चला जाएगा, 7 2 14 इसका मतलब दो बार जाएगा, तो ऑप्शन में ये दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, ये दो ऑप्शन फ्रेंड्स आपके बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसे ही पेपर में आपको करना है, क्लियर है। तो देखिये 7 2 14 6 आया, 65 हुआ, कितना हुआ 65, 7 8 56, 7 9 63, 9 आया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, 2 के बाद 9 आया है, आप देखते ही तुरंत समझ जाएंगे फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 293.86 टन आलू का औसत उत्पादन हो जाएगा, क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 2016-17 के मध्य, 2016-17 यहाँ दिया है के मध्य कह रहा है किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष का मतलब 2015-16 के मध्य किसमें गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया है जौ, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है फ्रेंड्स बाजरा, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है चावल, और चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दिया गया है आलू। तो अब देखते हैं किस वर्ष गिरावट हुई है। जैसे मैं जौ की बात करूं तो जौ देखिए 160 था, 160 से फ्रेंड्स 216 हुआ, कितना हुआ 216, यानी बढ़ गया, इसका मतलब जौ नहीं होगा क्योंकि घटने का पूछा है, यानी किस वर्ष घटा है किसमें, तो बाजरा। अब बाजरा की बात करें 1450 था, 1450 से 1460 हो गया, इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ है, बढ़ा है घटा नहीं है। मैं चावल की बात करूं तो देखिए चावल यहाँ पे है 826 से 812 गिरावट दर्ज की गई है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, चावल हो जाएगा। आलू में देखिए 400 से 445 ये भी बढ़ा है, आलू भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चावल। यानी चावल में ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, चावल में ऐसा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में गिरावट दर्ज की गई है, यानी 826 से कितना हो गया 812, क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपसे, जो आलू का उत्पादन है, आलू का जो उत्पादन है 2015-16 में फ्रेंड्स कितना है आलू का उत्पादन 400, और कह रहा है 2010-11 में कितना है 210, इसका पूछा है अंदाजन कितना गुना है। तो अंदाजन कितना गुना है, ऑप्शन दिया है 1.82, अगला ऑप्शन फ्रेंड्स दिया है 2, अगला ऑप्शन दिया है 2.10, और अगला ऑप्शन दिया है 1.90, क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, देखिए सबसे पहले कितना है 400, अब ये है 210, कितना है फ्रेंड्स 210, यानी कितना गुना है ये आपको बताना है। देखिए जीरो से जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 20 होता तो 2 गुना हो जाता, 21 दूना 42 होता है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। अब 21 से ये हल्का सा कम है, तो हल्का सा कम है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.90 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है। तो ऐसे ही एग्जाम में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख दिया, आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है, 210 से 400 हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो भी सही होगा वो लगभग 2 गुना के करीब होगा, 2 वाले तो आप देखते ही तुरंत काट देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 1.90, क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स बातें यहाँ पे आई हो कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए और जबरदस्त तरीके से अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।